गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको बताऊंगा कि SSC CGL के एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड होते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम मोबाइल में स्थित क्रोम एप्लीकेशन में जाना है, उसमें लिखना है SSC एडमिट कार्ड। इसके बाद फर्स्ट वेबसाइट ओपन होगी, उस पर क्लिक करना है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नीचे लिखा हुआ है एडमिट कार्ड। SSC CGL की 10 की 10 फेज की एडमिट कार्ड आ चुके हैं। इसमें लिखा हुआ एड्रेस स्टार्टिंग में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फर्स्ट फेज है MSO बिल्डिंग। इसके डाउनलोड करने के लिए URL के लिए राइट साइड में स्क्रॉल करना है इसको। तो राइट साइड में ईस्टर्न रीजन का, जैसे कि ईस्टर्न रीजन किसी के कर्नाटक केरला रीजन है या फिर साउथर्न रीजन का SSC का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो ऐसे कर सकते हैं। हम देखेंगे ईस्टर्न रीजन का कैसे होता है डाउनलोड, इसके लिए इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये 29 जुलाई आज को ही ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला गया है। इस पर लिखा हुआ है डाउनलोड ई एडमिट कार्ड ऑफ कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2020 स्किल टेस्ट। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि रजिस्ट्रेशन ID या रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ। ये लिखने के पश्चात ये कैप्चर डालना है, 8 और 5 को जोड़कर इसमें स्पैम चेक वाले डब्बे के अंदर डाल देना है और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो SSC CGL का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। धन्यवाद।